नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में भी हाल में जो घटनाक्रम हुआ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, एक ही दिन में इस्तीफा देकर शपथ ली, उसके बाद जनता का क्या कहना है और खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो आप देखिए। नीतीश कुमार कई बार इस तरह से पाला पलट चुके हैं और बार बार पुराने साथी को छोड़कर नए साथी के साथ गए, नए साथी को छोड़कर पुराने साथी के साथ गए, ऐसा नीतीश कुमार कर चुके हैं। किसी जमाने में नीतीश कुमार एनडीए के साथ गठबंधन में थे और मुख्यमंत्री थे, फिर उन्होंने एनडीए का गठबंधन तोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी से नाता जोड़ा। उस समय उन्होंने कहा था कि अब मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर उन्होंने अपने उस पुराने कहे वाक्य से पलटी मारते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया और एक ही दिन में सुबह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और शाम को बीजेपी के दो विधायकों को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाते हुए खुद फिर से नवे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। तो इस पर कई लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है और इसी में पुराने वीडियो इस समय ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें एक अमित शाह का वीडियो, अमित शाह ने भी, गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीधे तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार को हम कभी अपने साथ नहीं लेंगे, उनका वह वीडियो वायरल हो रहा है, नीतीश कुमार का अपना वीडियो वायरल हो रहा है और साथ ही साथ कुछ ट्विटर यूजर ट्वीट के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग ट्वीट वो ट्विटर पर कर रहे हैं। तो पहले सुनिए दोनों वीडियो, जिसमें एक वीडियो अमित शाह का और दूसरा नीतीश कुमार का, इनका क्या कहना है, पुराने वीडियो जो इस समय वायरल हो रहे हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? आज नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो ये वीडियो आपने सुना है, इन वीडियो में क्या इन्होंने कहा था नेताजी ने और क्या हुआ। अब बात करते हैं ट्वीट की। तो ट्विटर यूजर बदहवास नाम के एक ट्विटर यूजर है, बदहवास नाम से ट्विटर अकाउंट चलाते हैं, उन्होंने लिखा है, नीतीश कुमार दुनिया का इकलौता ऐसा आदमी है जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता है ताकि फिर से मुख्यमंत्री पद पर बैठ सके। तो वहीं हमारा बिहार नाम के ट्विटर अकाउंट से रिट्वीट किया गया है, उसमें हाजीपुर में आरजेडी समर्थक ने सीएम नीतीश की अर्थी सजाए किया अनोखा विरोध, इसका भी एक वीडियो इन्होंने पोस्ट किया है, ये वीडियो भी आप देखेंगे इसमें। साथ ही साथ एक हार्दिक भावसर नाम के ट्विटर ने एक फोटो पोस्ट पेस्ट किया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फोटो में ऊपर लिखा हुआ है ऑफर लेटर हाथ में हो तो, फिर नीचे लिखा है रिजाइन करने का मजा ही अलग है। इसी तरह से एक यूजर है अतुल कृष्ण, जिन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने भी एक फोटो ट्वीट किया है, फोटो के ऊपर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए राजनीति करता हूं और नीचे लिखा है इस्तीफा हमेशा ऊपर की जेब में रखता हूं। फिर उसके बाद एक आशीष नाम के अकाउंट होल्डर ने ट्वीट किया है, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का एक फोटो लगाया, उसमें बिहार पॉलिटिक्स इन ए नटशेल ऐसा ऊपर लिखा है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी के जो कथन थे सरकारें आती है सरकारें जाती है उसका संदर्भ दिया है, तो उसमें उन्होंने चुटकी लेते हुए लिखा है सरकारें आएंगी जाएंगी मगर नीतीश कुमार सीएम रहना चाहिए। फिर एक प्रतीक पटेल नाम के ट्विटर अकाउंट से जो एक फोटो ट्वीट किया गया भाजपा का, इसमें कमल का चुनाव चिन्ह है
और इसमें लिखा है कभी आपका तो कभी हमारा यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है, ऐसा लिखा गया है। फिर एक काजल सिंह नाम की ट्विटर अकाउंट से यहां लिखा गया हमारे बिहार में दूल्हा नहीं बदलता बल्कि समय समय पर बारात और दुल्हन जरूर बदलती है, इस तरह का ट्वीट किया गया है। तो ऐसे कई मजेदार ट्वीट ट्विटर पर जो भी एक्स हो गया उस पर जारी है और एक्स पर फिलहाल बिहार की राजनीति ट्रेंड कर रही है। हालांकि राजनीति सत्ता पलट हुआ, आरजेडी से बिहार नीतीश कुमार ने नाता तोड़ा, बीजेपी संग नाता जोड़ा, मुख्यमंत्री पद से सुबह इस्तीफा दिया, शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो कहीं ना कहीं देश में एक नया राजनीति का दौर शुरू है, ऐसा हम कह सकते हैं। और राजनीति क्या, राजनीति का स्तर क्या, उसकी बात करें तो आप सभी जानते हो महाराष्ट्र में किस तरह से खेल हुआ था, वही खेल अब बिहार में हुआ है। और साथ ही साथ ऐसा भी सामने आ रहा है आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि उनके विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के पहले देश की राजनीति में इस समय सर्दी के मौसम में काफी गर्माहट महसूस की जा रही है। आज के हमारे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।